लास्ट क्लास के अंदर हमने यहाँ से पोर्शन कवर किया था कि हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग देखी थी कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को 3 लेवल पर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर, फिर उसके बाद हम लोग ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन में भी हमने 2 पार्ट डिवाइड किया हुआ है, एक होता है हमारा लोअर ब्रेन जिसे हम सबकॉर्टिकल लेवल कहते हैं और एक होता है हमारा हायर ब्रेन, और दोनों ही ब्रेन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये आपके इंडिपेंडेंट मैनर में काम ना करके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। इनके मेजर फंक्शन हमें डिस्कस किए थे और मैंने ये भी कहा था कि ये फंक्शन अभी के लिए सिर्फ आपको ध्यान रखना है, इसके बाद जब हम लोग स्ट्रक्चर को समझेंगे अच्छे से उसके बाद ये फंक्शन हमें सारी क्लियर होंगे कि एक्चुअल में हमारा ब्रेन ये फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करता है। देन वी मूव कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे मेनली 2 पार्ट होते हैं, या हम कहें कि हम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है कमांडिंग रीजन जो ब्रेन है, और दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। एक्चुअल में दोनों ही कमांड करते हैं बट दोनों की फंक्शनैलिटी थोड़ी सी अलग है, तो हम लोग इसको वन बाय वन कवर करेंगे। पहले हम लोग ब्रेन की इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, देन स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर हम लोग फंक्शनैलिटी और उसका सारा मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हमने ये बात करी थी कि ब्रेन जो है, अब हमारा जो ब्रेन होता है, देखो हमारा पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना इतना ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि अगर ब्रेन डैमेज होता है तो आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, है ना। तो इसलिए हमारी बॉडी ने एक अलग ही मैकेनिज्म बनाया हुआ है, या कहें कि एक ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई हुई है अराउंड द ब्रेन, जो जितना सेंसिटिव एरिजन होगा हमारी बॉडी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उतना ही मॉडिफाई हो जाती है। जैसे कि हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन के बाहर एक सबसे प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं क्रेनियम। ठीक है, अब ये क्रेनियम कहें या आप इसे कहो क्रेनियल बॉक्स, क्योंकि बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये जो क्रेनियल बॉक्स होता है या क्रेनियम जो होता है, ये आपकी कुछ बोन्स का बना होता है। बोन हमारा टफेस्ट पार्ट है ना, हमारी बॉडी का टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट है, और ये हमारी बॉडी की 8 बोन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये 8 बोन कौन सी होती है? पहला मैंने कहा था कि एक इसके अंदर फ्रंटल बोन होती है, जो फ्रंट में है उसे हमने कहा था ये हमारी फ्रंटल बोन है। ठीक है, पराइटल जो हमारे ऊपर वाली मतलब अपर साइड से अगर आप देखोगे आपके क्रेनियल बॉक्स को, तो हमारी पराइटल बोन प्रेजेंट होती है, दीज आर पराइटल बोन। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि एक फ्रंटल बोन है जो फ्रंट में प्रेजेंट होती है, दो पराइटल, एक लेफ्ट की साइड में एक राइट की साइड में। फिर हमने कहा दो टेम्पोरल होती है, पराइटल के जस्ट नीचे आपकी टेम्पोरल बोन प्रेजेंट होती है, और ये टेम्पोरल बोन आपकी अगेन दो होगी, एक लेफ्ट के साइड में एक राइट की साइड में। फिर एक ऑसिपिटल बोन है जो पीछे की साइड में होती है। ठीक है, ये ऑसिपिटल बोन हो गया, और एक इथमोइड बोन और एक स्टीनोइड बोन, राइट। यानी कि हम कहें कि ओवरऑल 8 बोन से मिलके हमारा क्रेनियम बॉक्स बना होता है। ठीक है, यस, तो ये पोर्शन हमने कवर कर लिया था। अब हम लोग अपने ब्रेन के एक्चुअल जो पोर्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन ऑफ ब्रेन, ये वाला पार्ट मैं आपको बाद में कराऊंगी, ऑल्दो आप एक बार इसको देख सकते हैं कि ब्रेन जो है, जो ये हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है बॉडी का, है ना। हमने पहले ही कहा कि कमांडिंग रीजन है, सबसे ज्यादा हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होता है वो सारा का सारा हमारे ब्रेन से होता है। हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड, हमारी रीजनिंग पावर, एवरीथिंग, हमारा थॉट प्रोसेसिंग, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। सो ये हमारा बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है। सो इट कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी वॉलंटरी मूवमेंट होती है सारा हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी का बैलेंस हमारा ब्रेन बनाता है। ऑल्दो आपने पढ़ा होगा कि जब आप ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो हम देखते हैं कि जो ईयर है वो भी आपके ब्रेन का, सॉरी ब्रेन नहीं कह सकते, हमारी पूरी बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। बट इन द लास्ट वो आपका बैलेंस मेंटेन कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन ही कर रहा है। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स, जैसे कि हमारी लंग्स की फंक्शनिंग, हार्ट की, ऑल तो कह सकते हैं कि इन शॉर्ट हमारी बॉडी का जितने भी पार्ट है सभी का जो कंट्रोल कर रहा है वो हमारा ब्रेन कर रहा है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन। हमारी आंखें जो है, हालांकि हम कहते हैं हमारी आई साइट है, हमारी आईज की वजह से हम लोग देख पाते हैं, बट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ब्रेन। क्यों? क्योंकि जो भी इमेज हमारे रेटिना पे बनती है वो इस इमेज के सारे इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के पास जाती है, ब्रेन उसको डिकोड करता है, एंड देन ही हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यस हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेन आपका विजन में भी हेल्प करता है।
हियरिंग में हेल्प करता है। और यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे सेंसरी ऑर्गन और हमारे इंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इन सभी सिस्टम्स के साथ मिलके काम करता है। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन मोस्ट ऑफ दी एनिमल्स की बॉडी में आप देखते हो कि सेंसरी ऑर्गन जो प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा आपके नर्वस सिस्टम के साथ में। आप देखोगे कि जहाँ पे सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट है उसके जस्ट बिहाइंड आपका नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा। इवन ह्यूमन बॉडी के अंदर भी आप ऑब्जर्व कीजिए, हमारा जो ब्रेन है वो कहाँ प्रेजेंट है? हमारा ब्रेन प्रेजेंट है हमारे टॉप ऑफ द बॉडी में। और टॉप ऑफ द बॉडी में ही हम लोग देखते हैं कि हमारी आईज प्रेजेंट होती है, हमारे हेड रीजन के अंदर ही हमारे ईयर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर सेंसरी ऑर्गन, और सेंसरी ऑर्गन के साथ नर्वस सिस्टम हमेशा इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि नर्वस सिस्टम का काम है एक होम्योस्टैटिक की स्टेट को मेंटेन करके रखना। और जब तक वो आपके एनवायरमेंट के साथ, होम्योस्टैटिक का मतलब है कि इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ हम लोग कह सकते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेट को मेंटेन करके रखना, या हम लोग प्रॉपर कह सकते हैं कि एक इंट्रैक्शन जो हमारा हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ होता है उसके स्टेट को मेंटेन करके रखना। लेकिन नर्वस सिस्टम डायरेक्टली आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं होता, विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन वो कनेक्ट होता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि सेंस ऑर्गन हमेशा हमारे नर्वस सिस्टम के साथ ही प्रेजेंट होते हैं। और जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं वो सारा का सारा आपके नर्वस सिस्टम की हेल्प से ही वो प्रोसीड कर रहे हैं। राइट, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग में है कि हमारा हियरिंग हो गया, विजन हो गया, स्पीच, हमारी मेमोरी, हमारा इंटेलिजेंस, हमारे जितने भी इमोशंस हैं, हमारे थॉट्स, ये सारे के सारे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, ओके। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। ये आप ओके, ये लोब वाला पार्ट हम बाद में कवर करते हैं। फर्स्टली मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने कहा ब्रेन जो है, ब्रेन की सबसे एक्सटर्नल जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं क्रेनियल बॉक्स, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है। ये बॉक्स हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो, हेयर के नीचे ये क्रेनियम प्रेजेंट है, क्रेनियल बॉक्स प्रेजेंट है जो कि बोनी इन नेचर है। और बोन भी हमने कहा कि 8 बोन का ये बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड अ क्रेनियल बॉक्स, और ये जो क्रेनियल बॉक्स है ये 8 बोन्स का बना हुआ है और उसके ऊपर ही हमारे हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थीके? तो हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा स्कल बोन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आती है ब्रेन की कवरिंग। अब आप ये देखिए हमारी बॉडी के अंदर हम जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होती है, इवन हमारी सेल के अंदर मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे ब्रेन की भी तो अपनी कुछ कवरिंग होगी। तो ब्रेन की जो कवरिंग होती है उन्हें हम बोलते हैं मेनिंजेस। ठीक है, हमने क्या कहा, हमारे ब्रेन की जो कवरिंग्स होती है, एक सेकंड, यस, हमारे ब्रेन की कवरिंग को हम लोग कहते हैं मेनिंजेस। ठीक है, तो मेनिंजेस जो होती है, अब बात आती है कि ब्रेन के अंदर कितनी मेनिंजेस प्रेजेंट है, आइदर 1, 2 और 3। तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर 3 मेनिंजेस प्रेजेंट होती हैं। और ये 3 मेनिंजेस कौन सी होती हैं? सबसे पहले अब देखिए हम लोग जब आउटर से इनर की तरफ मूव करते हैं तो सबसे पहले हेयर प्रेजेंट है, फिर उसके बाद हमारा क्रेनियल बॉक्स आ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है ब्रेन इतना ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो कवरिंग होगा वो भी थोड़ा सा हार्ड होगा ताकि इसको प्रोटेक्ट कर सके, है ना। इसलिए ब्रेन का जो सबसे पहला मेनिंजेस होता है उसे हम कहते हैं ड्यूरामेटर। अब ड्यूरामेटर का मतलब क्या हुआ? देखो सिंपल, अगर आप ड्यूरामेटर का मतलब समझते हो तो ड्यूरा का मतलब होता है टफ मदर। टफ मदर मतलब हार्ड मदर, तो ऑब्वियस सी बात है वो टफ होगा तभी तो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर पाएगा। इसलिए ब्रेन की जो सबसे पहली कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, मतलब टफ मदर। ठीक है, दूसरी जो ब्रेन की कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं आर्किनोइड। आर्किनोइड के बाद थर्ड कवरिंग आती है पिया मैटर। यस, अब देखिए ड्यूरा मैटर सबसे बाहर वाली थी, है ना, बाहर वाली कवरिंग टफ हो गई तो ड्यूरा मैटर हो गया टफ मदर। अब पिया मैटर जो है ये सबसे इनर मोस्ट है क्योंकि इसके बाद हमारा ब्रेन का कॉन्वोल्यूटेड सरफेस आपको नजर आता है।
तो पिया मैटर सबसे अंदर वाला है, तो ऑब्वियसली बात ही हमारा सॉफ्ट होगा। जितनी ड्यूरा मैटर आपकी टफ है, उतना ही पिया मैटर सॉफ्ट होता है, इसलिए हम इसको कह देते हैं सॉफ्ट मदर, राइट। आर्किनोइड लेयर की अगर हम बात करते हैं, आर्किनोइड लेयर ये आपकी ड्यूरा मैटर और पिया मैटर के बीच में प्रेजेंट होती है, और इसको आर्किनोइड मैटर इसलिए कहा क्योंकि ये ना एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, ऐसे मकड़ी के जाले जैसी स्ट्रक्चर बना देती है दोनों के बीच में। अगर मान के चले ये लेयर हमारी ड्यूरा मैटर है, तो ये ड्यूरा मैटर जितनी टफ होगी, अगर ये लेयर हमारी ड्यूरा मैटर हुई, ये हमारी मान लो पिया मैटर हो गई, और उसके बीच में एक नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसे हम कहेंगे आर्किनोइड मैटर, ठीक है। तो ये तीन मेनिंजेस हैं हमारे ब्रेन की, और जब इन मेनिंजेस के अंदर कोई डिफॉर्मिटी आती है तो हम लोग उसे कहते हैं कि मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, आप भी हमने ये देखा कि हमारा जो ब्रेन है, अगर हम उसे ऊपर से देखते हैं, तो सबसे पहले एक स्कल बोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्कल बोन प्रेजेंट होता है, क्रैनियल बॉक्स जो कि हमारा 8 बोन का बना हुआ है। फिर उसके बाद ब्रेन की कवरिंग आती है। अब ब्रेन की कवरिंग को अगर हम अच्छे से देखें, तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ड्यूरा मैटर, जो कि किसके साथ कनेक्टेड होती है, ये जो ड्यूरा मैटर है ये आपके ब्रेन के स्कल के साथ यानी कि क्रेनियम के साथ कनेक्टेड होगी, आउटर साइड से क्रेनियम के साथ कनेक्टेड होगी, इनर साइड से आर्किनोइड मैटर के साथ कनेक्टेड होती है। और क्योंकि ये आपकी, देखो इस चीज को ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि स्कल के साथ कनेक्टेड है तो ये ऑब्वियसली बात है स्कल हमारा बहुत टफ है, तो उसके साथ जो मेम्ब्रेन कनेक्टेड है वो भी टफ है ना। सो दिस इज ड्यूरा मैटर। फिर उसके बाद नेट लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज द नेट लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल मकड़ी के जाले जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसे हम कहते हैं आर्किनोइड मैटर और द सेकेंड मेनिंजेस ऑफ ब्रेन। थर्ड वन इज द पिया मैटर, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है, पतली सी लेयर होती है, इसे हम कहते हैं पिया मैटर, और ये सबसे इनर मोस्ट होती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वे पिया मैटर किसके बीच में प्रेजेंट है, तो पिया मैटर आर्किनोइड मैटर और साथ ही साथ हमारी ब्रेन के साथ होती है, ठीक है, बिल्कुल ब्रेन के साथ ही अटैच होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे पिया मैटर सॉफ्ट है, और उसी के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जिसकी के थ्रू आपके ब्रेन को ब्लड ट्रांसफर होता है, ठीक है। और पिया मैटर फिर उसके बाद हमारा जो कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है उसके साथ कनेक्ट है। कॉन्वोल्यूटेड सरफेस किसका होता है, हमारे सेरेब्रम का होता है। आपको पता है कि ये जो आउटर मोस्ट सरफेस हमें ऐसे दिखता है, जिसके अंदर बहुत सारी लेयर ही लेयर प्रेजेंट है, ये जो कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है ये एक्चुअल में क्या है, दिस कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इज द सेरेब्रम और द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, और इसी के ऊपर हमारी पिया मैटर ऐसे प्रेजेंट होती है। तो इस इमेज को अगर हम लोग यहाँ से और भी अच्छे से देखें, तो आप देख सकते हो इस इमेज के अंदर यहाँ पे हमारी पिया मैटर प्रेजेंट है, बीच में जाले जैसा आपको दिख रहा है, दिस इज आर्किनोइड मैटर, और उसके ऊपर ये ब्राउन कलर में जो आपको दिख रही है डार्क कलर में, दिस इज द ड्यूरा मैटर, ठीक है। तो ये हमारी तीन कवरिंग हो जाती है आपके ब्रेन की। सेम ऐसे ही जब हम स्पाइनल कोड वाले रीजन की बात करते हैं ना, तो हमारे स्पाइनल कोड के अंदर भी तीन ही कवरिंग होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारी ब्रेन की कवरिंग थी, इसलिए हमने इनको क्रेनियल मेनिंजेस बोल दिया, और वहां पे वो स्पाइनल कोड की कवरिंग है, इसलिए हमने उनको स्पाइनल मेनिंजेस बोल दिया, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम चाहे हम बात करें ब्रेन की चाहे हम बात करें स्पाइनल कोड की, दोनों ही केस के अंदर तीन मेनिंजेस प्रेजेंट है, तीन कवरिंग प्रेजेंट है। जो ब्रेन की कवरिंग है उसे हमने कह दिया क्रेनियल मेनिंजेस, जो स्पाइनल कोड की कवरिंग है उसे हमने कह दिया स्पाइनल मेनिंजेस, बट इनका जो सीक्वेंस है वो सेम रहता है कि आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर होगी जो कि टफेस्ट होगी, आर्किनोइड मैटर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, और पिया मैटर इनर मोस्ट होगी, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा वो यहाँ पे देखिए कि पिया मैटर आपका ब्रेन के कॉन्वोल्यूटेड सर्फेस यानी कि सेरेब्रम के साथ कनेक्टेड होता है, जहां पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है, और जब हम स्पाइनल मेनिंजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे उससे नीचे यानी कि पिया मैटर से नीचे सब आर्किनोइड्स, सॉरी आर्किनोइड स्पेस तो हमारा दोनों के बीच में होता है, आर्किनोइड मैटर और पिया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम सब आर्किनोइड स्पेस कह देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, और उससे नीचे हमारी सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट। देखिए हम क्या, हमने अभी तक कितना देखा कि हमारे ब्रेन की तीन कवरिंग होती है, और ये जो स्पेस इनके बीच में प्रेजेंट है, इन मेम्ब्रेन के बीच में भी थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस के अंदर हमारा एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं CSF और द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है लिक्विड होता है,
क्योंकि जब आप अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर देखोगे तो हमारा ब्रेन ऐसे कोई टफ रीजन नहीं बना हुआ, उसके अंदर आपके कुछ पोंड लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, उसमें कॉन्वोल्यूटेड मेम्ब्रेन या ऐसे फोल्ड हो रखी है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर भी होता है, उसके अंदर एक लिक्विड भी प्रेजेंट होता है। जो लिक्विड हमारे ब्रेन के अंदर फिल्ड है उस लिक्विड को हम लोग कह देते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, इसके भी अलग फंक्शन होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ अब अच्छे से एक-एक इस जो हमारी मेनिंजेस है उनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। यस, सो सबसे पहले हमने कहा कि हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग ड्यूरा मेटर, सो दिस इज द फर्स्ट एंड द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन व्हिच इज थिक, बहुत ही थिक होता है, स्ट्रांग है और नॉन इलास्टिक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती, सच एज योर स्कल, आपका क्रेनियल बॉक्स जितना टफ होता है उसी तरीके से वो कवरिंग भी हमारी टफेस्ट हो जाती है। इट इज मेड अप कोलाजन फाइबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अब ये टफ क्यों है ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, और हमें पता है कि जो कोलाजन फाइबर है वो इसके टफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो दिस मेम्ब्रेन इज अटैच विद द इनर मोस्ट सर्फेस ऑफ द क्रेनियम। हमारे क्रेनियम का जो अंदर वाला सर्फेस होगा, इंटरनल साइड की तरफ जो सर्फेस होगा उसके साथ ही कनेक्टेड होती है। सो इट इज डबल लेयर आउटर एंडोस्टील लेयर विच इज क्लोजली अटैच विद द इनर मोस्ट सर्फेस ऑफ द क्रेनियम एंड नो स्पेस इज फाउंड बिटवीन स्कल एंड ड्यूरा मेटर। ठीक है, यानी कि हमारी ड्यूरा मेटर क्रीनियम के साथ एकदम बिल्कुल अटैच होती है, क्योंकि बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इनर मेनिंजियल लेयर विच इज रिलेटेड विद अदर मेनिंजेस ऑफ ब्रेन, बोथ आर वेस्कुलर। ठीक है, यानी कि हमारी जो ड्यूरा मेटर है उसको हम कह सकते हैं कि ये डबल लेयर में होती है, डबल लेयर में होती है। तो इसका जो आउटर लेयर होता है वो क्रेनियम के साथ कनेक्टेड होता है, इनर लेयर जो होता है वो आपके आर्किनोइड मैटर के साथ कनेक्टेड होता है। जो लेयर इसकी क्रेनियम के साथ कनेक्टेड होगी उसके बीच में कोई स्पेस नहीं प्रेजेंट होगा, एकदम पास पास में वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन जो अंदर वाली लेयर है जो हमारी दूसरी लेयर के साथ कनेक्टेड होती है वो वेस्कुलर, वेस्कुलर का मतलब ये होता है कि उस रीजन के अंदर आपको ब्लड वेसल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि ब्लड का वहां पर ट्रांसफर हो रहा होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बनी किसकी है तो ये कोलाजन फाइबर की बनी होती है। ठीक है, बट एट सम प्लेसेस दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड फॉर्म अ साइनस कॉल्ड द क्रेनियल वीनस साइनसेस, कि कुछ एक रीजन ऐसे होते हैं जहां से आप देखोगे कि ड्यूरा मेटर आर्किनोइड मैटर से थोड़ी सी हट के प्रेजेंट है, तो हम उस स्पेस को बोल देते हैं क्रेनियल वीनस साइनस। ठीक है, दीज साइनस आर फिल्ड विद वीनस ब्लड। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट होल्डिंग की तरफ, दैट इज आर्किनोइड। आर्किनोइड की बात करें तो हमने पहले ही कहा कि हमारी मिडल लेयर होती है, थिन है और डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है। डेलिकेट इसलिए क्योंकि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ऐसा सच कोई थिक मेम्ब्रेन ये होती नहीं है, बट थिन है ये। इट इज फाउंड ओनली इन मैमल्स, सिर्फ मैमल्स के केस में ही आपको आर्किनोइड मैटर मिलेगी, यानी कि बाकी जो ऑर्गेनिज्म उसमें सिर्फ आपको पिया मैटर और आपको ड्यूरा मैटर ही देखने को मिलती है। आर्किनोइड मैटर सिर्फ आपका मैमल्स के केस में आपके देखने को मिलता है। नॉन वेस्कुलर लेयर है, नॉन वेस्कुलर का मतलब यहाँ पे कोई ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती। इन फ्रंट ऑफ क्रेनियल वीनस साइनस इट बिकम फोल्डेड एंड दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड आर्किनोइड विलाई। सिंपली हम इस चीज को ऐसे समझेंगे कि जो आर्किनोइड मैटर है ये जहां पे क्रेनियल वीनस साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, क्रेनियल वीनस साइनस हमने कहा ना कि ड्यूरा मैटर आर्किनोइड मैटर के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, उसे हमने क्रेनियल वीनस साइनस बोल दिया, और उस रीजन के अंदर हमारे जो आर्किनोइड है वो कुछ इस तरीके से फोल्डिंग बना लेती है जिसको हम कह देते हैं आर्किनोइड विलाई। सो दिस विलाई रीअब्सॉर्ब द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम सब आर्किनोइड स्पेस एंड पोर इट इनटू क्रेनियल वीनस साइनसेस। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी इनर मोस्ट आती है पिया मैटर। पिया मैटर इनर मोस्ट है, थिन है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है और ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इन शॉर्ट हम कहें कि ये जो तीन लेयर है हमारी, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर, फिर आर्किनोइड और फिर उसके बाद पिया मैटर, तो इन तीनों के अंदर अगर हम देखें कि ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ड्यूरा मैटर ये भी हमारी नॉन वेस्कुलर होती है, आर्किनोइड भी हमारी नॉन वेस्कुलर होती है, और हमारा जो ये पिया मैटर है ये हमारा वेस्कुलर होता है। वेस्कुलर है, थिन है, और इसमें ही आपका क्या हो रहा होता है, इस पिया मैटर के अंदर आपका ब्लड अच्छे से ट्रांसफर हो रहा है, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है। ठीक है, डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, सो हाईली वेस्कुलर,
and it is firmly adhered to the brain. Pia mater and arachnoid layer at some places fuse together to form leptomeninges. ये कुछ places पर हम देखते हैं कि arachnoid matter और जो हमारी pia mater ये दोनों layer एक दूसरे के साथ fuse कर जाती हैं और जहां पे फ्यूज करती है उसको हम लोग लिप्टोमेनिंजेस कहते हैं. ठीक है, सो पिया मैटर मर्ज इनटू सल्सियस ब्रेन एंड डेंसली अडहेर टू इट. सो एट सम प्लेसेस इट डायरेक्टली मर्ज इन द ब्रेन कॉल्ड टीलोकॉर्डिया. टीलोकॉर्डिया फॉर्म द कॉर्डोप्लेक्स इन द वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन. देखो कुछ भी यहां से हम लोग को ऐसा कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं समझना है, ये सिर्फ आपकी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन के लिए है. हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की चाहे वो ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो उनकी कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और इन प्रोटेक्टिव कवरिंग को हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जिसे हमने कह दिया मेनिंजेस. ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारी लेयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका काम प्रोटेक्शन का तो है ही, साथ ही साथ इनका फंक्शन भी होता है वेस्कुलर नेचर. अगर हम पिया मैटर की बात करें तो है ना, मतलब ये फंक्शनल इनका मतलब इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन देना. दूसरा इनका फंक्शन क्या होता है, ब्लड वेसल का ट्रांसफर करना. तीसरा ये होता है कि अगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कोई लीकेज हो रहा है तो उसको उनको पोर आउट करना किसके अंदर, आपके क्रेनियल वीनस साइनस के अंदर. ठीक है, फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर मेनिंजेस के अंदर आपका कोई डैमेज हो जाता है, क्योंकि हमें पता है हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन, हमारी ब्रेन की जो सेल्स होती हैं उनके पास रीजनरेटिव पावर नहीं होती है ना, तो जब हमारी ब्रेन के अगर लेयर के अंदर भी डैमेज होता है तो समटाइम इट विल कॉज सम काइंड ऑफ डिजीज, जैसे मेंजिंजाइटिस भी कह देते हैं. ठीक है, मेंजिंजाइटिस भी कह देते हैं सॉरी. तो हमने क्या पढ़ा कि तीन लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट हमारी ड्यूरा मैटर होती है जो बहुत ही पास पास प्रेजेंट होती है क्रेनियम के. डबल लेयर की स्ट्रक्चर है, डबल लेयर है तो आउटर मोस्ट वाला जो है वो बहुत ही टफ होती है और वो हमारे क्रेनियम के साथ कनेक्टेड है. अंदर वाली जो लेयर है वो आर्किनोइड मैटर के साथ कनेक्टेड है, बट कुछ स्पेस के ऊपर वो हमारे कुछ स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रही है जिसके अंदर हमारा क्रेनियल वीनस साइनसिस कहते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा हमारी सेकेंड लेयर होती है आर्किनोइड मैटर. आर्किनोइड मैटर हमारा थिन है और ये हमारा डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है और इसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, मकड़ी के जाले जैसी स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने इसका नाम आर्किनोइड मैटर रख दिया. और इस ये भी हमारी एवास्कुलर होती है, हम कहीं नॉन वेस्कुलर यानी कि ब्लड वेसल इसमें प्रेजेंट नहीं होती, बट ये कुछ स्पेस के ऊपर कुछ विलाई लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको हम आर्किनोइड विलाई कहते हैं. सबसे अंदर वाली हमारी पिया मैटर जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट है और सबसे अच्छी बात वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और वो वेस्कुलर है, मतलब बहुत सारी ब्लड वेसल वहां पे प्रेजेंट, यानी कि ब्रेन को जितना भी ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है वो आपकी पिया मैटर के थ्रू हो रहा है. ठीक है, इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है पिया मैटर हमेशा कनेक्टेड होती है सेरेब्रम के साथ. ठीक है, क्लियर. अच्छा जी, इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि इनके बीच में कुछ स्पेस भी प्रेजेंट होता है जैसे कि सब ड्यूरल स्पेस. अब ये सब ड्यूरल स्पेस क्या है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग थी ड्यूरा मैटर. ड्यूरा मैटर और आर्किनोइड मैटर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगा उस स्पेस को हम लोग कह देते हैं सब ड्यूरल स्पेस. नाम कैसे याद रखेंगे, ड्यूरल से ड्यूरा मैटर, तो जो ड्यूरा मैटर और आर्किनोइड के बीच में स्पेस है उसे हमने कह दिया ड्यूरल स्पेस. ठीक है, और इसके अंदर क्या फिल्ड होता है, स्पेस है तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो उसके अंदर होगा ही, तो ये हमारा सीरस फ्लूइड का फिल्ड होता है. राइट, ओके. फिर उसके बाद आता है सब आर्किनोइड स्पेस. सब आर्किनोइड स्पेस किसके बीच में होगा, आर्किनोइड और पिया मैटर के बीच में. ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शन भी हम लोग देखेंगे. सो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये आपका किसके बीच में प्रेजेंट होता है, सब आर्किनोइड स्पेस के बीच. इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिक्स इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस. इट मे कॉज बाय वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जो मैंने आपको कहा. अब हम बात कर लेते हैं सीएसएफ की, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये बहुत ही क्लियर एल्कलाइन इन नेचर और लिम्फ के जैसा होता है. इसके अंदर आपकी मेनली प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. ठीक है, तो प्रोटीन्स क्या होगा, इसके अंदर हमारा एल्ब्यूमिन मेनली प्रोटीन प्रेजेंट होता है. एल्ब्यूमिन से आपका पूछा भी जा सकता है कि ब्रेन का प्रोटीन कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन आता है मेनली बहुत सारे एग्जाम के अंदर, ब्रेन प्रोटीन कौन सा है, तो हमें ऑप्शन में दे दिया जाएगा या तो हमें एल्ब्यूमिन मिलेगा या फिर हमें ग्लोब्यूलिन मिलेगा. ठीक है, सॉरी, एल्ब्यूमिन या फिर ग्लोबुलिन. अच्छा, हमसे ब्रेन का शुगर पूछा जाए तो अगर हमसे कोई पूछे ब्रेन का प्रोटीन कौन सा है तो हम कहेंगे एल्ब्यूमिन या फिर ग्लोबुलिन. अगर हमसे पूछे कोई ब्रेन का प्रोटीन सॉरी
प्रोटीन नहीं, शुगर। ब्रेन शुगर कौन सा है? तो हम कहेंगे गैलेक्टोज। ठीक है, यस। तो हमने क्या कहा, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसका एल्कलाइन नेचर होता है, और एल्कलाइन नेचर होता है बिल्कुल लिम्फ के जैसा ही होता है। इसके अंदर हमारे बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, यूरिया होता है, यानी कि हम ये कहें, देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो काम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है ना, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, वो हमारी सेल्स तक, हमारे टिश्यू तक फूड लेके जाता है, वहां से वेस्ट मटेरियल को लेके आता है, गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है कि ऑक्सीजन का सप्लाई करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से लेके आएगा। तो हमारे ब्रेन के पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारा ब्रेन जो है उसका सप्लाई भी कंप्लीट हो सके, यानी कि ब्रेन को फूड मिल सके और ब्रेन अपना जितना भी वेस्ट है वो सारा उसके अंदर रिलीज कर सके। तो यही काम हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का होता है कि हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के पास जो ब्रेन है उसका वेस्ट भी होगा, ब्रेन के लिए नेसेसरी प्रोटीन्स या हमारे कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसकी कंपोजिशन में हम देखते हैं कि उसके पास एज अ प्रोटीन एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट होती है उसमें, कोलेस्ट्रॉल भी होता है उसमें, यूरिया का अमाउंट भी हमें देखने को मिलेगा, बफर मेंटेन करने के लिए वहां पे बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है ना, उसमें बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो अगर हम एक हेल्दी मैन की बात करें तो 24 आवर के अंदर अप्रोक्सीमेट 500 मिलीलीटर का सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो बनता है। ठीक है, जिसको कौन एब्जॉर्ब करता है? आर्कोनाइड विलाई। अब जो भी विलाइज होती है उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है एब्जॉर्प्शन का। तो ये जो आर्कोनाइड विलाई है उसको एब्जॉर्ब करती है। सो एट ए टाइम टोटल वॉल्यूम ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज 150 मिलीलीटर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टुडे क्लास। आज हमने देखा कि हमारी ब्रेन की कवरिंग क्या होती है, उन ब्रेन की कवरिंग की किस तरीके से बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, और हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप स्टडी एंड बी सेफ एंड थैंक यू गाइस।